शक्ति की उपासना के दिन चल रहे हैं यानी कि नवरात्रि, और इन नवरात्रियों में आपको आगरा के में ऐसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं जो लगभग 200 साल पुराना है और इस मंदिर से जुड़े कई कहानी, कई चमत्कार जुड़े हैं। और उनमें से सबसे खास ये है कि इस मंदिर में, कालीवाड़ी मंदिर में एक मटका है, घट है, जिसमें पानी रहता है और उस पानी कभी खराब नहीं होता, ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है। तो क्या इस मंदिर की सच्चाई है, क्या इससे रहस्य है और मंदिर से कितने चमत्कार जुड़े हैं, इस पूरी खबर में देखिए। माँ काली देवी का यह चमत्कारी मंदिर आगरा की शीतला गली में मौजूद है और उसे कालीवाड़ी का मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 200 साल से भी अधिक पुराना है, जो कि बंगाल से आए हुए लोगों के द्वारा बसाया गया था। पहले इस मंदिर में बकरे की बलि भी दी जाती थी, लेकिन अब वह बंद है और उसकी जगह पर पेंठे की बलि दी जाती है। इसके साथ ही लोगों की किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं कि इस काली देवी के मंदिर के सामने एक मटका है जिसमें पानी भरा रहता है और वो पानी कभी खराब नहीं होता है। ऐसा है कि हमारे पूर्वज श्री द्वारकानाथ भट्टाचार्य जी, जो ब्रह्मचारी थे, वो बंगाल से पलायन करके आए थे भुखमरी के समय, और यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ पैसे जोड़े और यहाँ पर उन्होंने एक वहाँ पर कालीबाड़ी की स्थापना की। फिर उन्हें स्वप्न आया कि तुम जो है, मेरा एक घट फला फला जगह यमुना किनारे पड़ा हुआ है, इस घट की स्थापना करो और इसको मंदिर के रूप में एक स्थापित करो। वो स्वप्न की बताई हुई जगह पर गए वहाँ पर, और वहाँ पर देखा तो घट वैसा का वैसा ही यमुना किनारे रखा हुआ था। हाँ, मंदिर में आज भी है। तो उस घट को उठा के लाए वो और घट की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद प्रतिमा बनवाई और मंदिर स्थापित हुआ। ये लगभग 230 वर्ष पुराना मंदिर है। उसका जल खराब नहीं होता, खराब नहीं होता, कम हो जाता है, उड़ जाता है पानी, कम हो जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी गंगा जल डाल दिया जाता है, लेकिन पानी वैसा का वैसा ही, वही पानी चला आ रहा है अभी। पानी का क्या इस्तेमाल होता है? नहीं, वो पानी का इस्तेमाल नहीं होता, घट पूजन के लिए है, वो पूजन रखा रहता है। अभी भी है घट, आप मंदिर जाएंगे देखेंगे, घट अभी वहीं पर है। सुनील शर्मा है, शीतला गली का ही निवासी हूं जी। और यहाँ पर जो भक्ति भाव से जो सात शनिवार जो उनके दीपक जलाता है, सभी मान्यताओं मैंने इसके घट के बारे में सुना है कि है मंदिर के समय का ही है जी। हाँ, वो उसकी इनकी स्थापना ये भट्टाचार्य परिवार ने करवाई थी। क्या है उस घट में, क्या रहता है? अब ये ये तो मेरी जानकारी नहीं, वो तो वही है कि उसके बहुत प्राचीन उसकी स्थापित किया हुआ है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो मेरी 73 साल की उम्र हो गई, आते रहते 73 साल से, बहुत वो ही भाव से, उसी भाव से जी। हाँ, सब बस जो मन में इच्छा होती है उसकी पूर्ति होती है, सब सुख समृद्धि मिलती है। कहाँ रहती हैं आप? मेरा नाम भगता गर्ग है, ये नूरी गेट की रहने वाले हैं हम लोग। मंदिर में कब से, कितने सालों से पूजा करने आ रहे हैं? मेरे को मंदिर में आते आते काफी टाइम हो गया, तो आते आते मंदिर। क्या मान्यता है, क्या शक्ति है माता की? बहुत मान्यता है यहाँ की, तो डेली तो नहीं आना होता है, पर शनिचर को तो मैं आती आती हूँ। अब नौ दुर्गे चल रहे हैं तो ये है कि चलो एक चक्कर मारो, दर्शन कर जाते हैं। हर मनोकामना पूरी करती है माँ, हर मनोकामना पूरी करती है, सुनती है, सच्ची मैया है। मैं मिस गीता सरपाल, बाग मुजफ्फर खां से, और इस मंदिर के प्रति मेरी बहुत आस्था है बचपन से ही। बचपन से मैं यहाँ आ रही हूँ, मेरी माँ आ रही है, और माँ के आशीर्वाद से सारे काम बने हैं मेरे। और आज भी जब भी कोई टेंशन होती है, कुछ माँ के चरणों में आती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और वाकई में इन माँ में कहना चाहिए ना, लोग कहते हैं यहाँ दम है कि नहीं जी, एक लोकल भाषा में मैं कहती हूँ, बहुत श्रद्धा है, बहुत ताकत है इनमें, मेरा अटूट विश्वास है इस मंदिर के प्रति।